बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अशोका क्लासेज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचते रहे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अशोका क्लासेज में। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस गिवन होता है, कुछ घंटियां कुछ टाइम के अंतराल पर बजती हैं और वो आपसे जानना चाहता है ये घंटियां इतने टाइम में कितने बार इकट्ठा बजेगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आज इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात की जाए, चार घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है, यानी पहली घंटी 6 सेकंड में एक बार बजती है, दूसरी 8 सेकंड में, तीसरी 12 सेकंड में और फोर्थ 18 सेकंड में एक बार बजती है। और ये घंटियां सब एक साथ 2 घंटे में कितने बार इकट्ठा बजेंगी, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। इन चारों नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम होगा आपका 72। और ये आपसे जानना चाहता है 2 घंटे में कितने बार इकट्ठा बजेंगी। तो जो ये टाइम है इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो ये टाइम आपको यहाँ पे गिवन है, अगर मिनट में है तो मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, सेकंड है तो सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब देखा जाए 6, 8, 12, 18 यहाँ पे सेकंड गिवन है तो ये 72 सेकंड्स हो जाएगा और 2 घंटे में आपको पता है 7200 सेकंड होगी, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड। 7200 डिवाइड बाय 72 यानी 72 करेंगे तो ये कंप्लीट 100 पे कैंसिल हो गया और इस 100 में प्लस 1 कर देना है आपको, यानी ये घंटियां 101 बार इकट्ठा बजेंगी। 4 घंटे में 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं तो ये घंटियां कितने बार, 2 घंटे में कितने बार इकट्ठा बजेंगे, तो 101 बार इकट्ठा बजेंगे। इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं 3 घंटियां 6, 7 और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है, और ये 1 घंटे में कितने बार इकट्ठा बजेंगी, तो आपको करना क्या है 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालिए। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा 126 होगा आपका। अब आपको पता है यहां पे सेकंड गिवन है, 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं, 3600, और 3600 को 126 से डिवाइड कीजिए। अब 3600 को जब 126 से आप कैंसिल करेंगे तो ये 28 पे कैंसिल होगा। हाँ जी, 28 पे कैंसिल होगा और कुछ शेष बचेगा, तो 28 में आपको 1 प्लस कर देना है, यानी ये तीनों घंटियां 1 घंटे में 29 बार इकट्ठा बजेंगे।
इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में ऐसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और हार्डली इस क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है। बट आपको इन कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए एलसीएम का कंसेप्ट आपका बहुत फास्ट होना कंपलसरी। तो इस क्वेश्चंस को एग्जाम में आप ऐसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे।